खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मैं शाहनवाज हुसैन साहब आपके पास आ रही हूँ। देखिए, ये जो आर्टिकल लिखा गया है इसमें ये बातें लिखी गई हैं कि हिंदू मुसलमान के बीच भाईचारा मजबूत करने की इच्छा शक्ति नजर नहीं आई इस सरकार में, मोदी सरकार में। इसमें लिखा गया कि उदार संस्कृति जो भारत की पहचान थी उस पर हावी हो रहा है धार्मिक राष्ट्रवाद, मुसलमानों के खिलाफ भावनाएं और जातिगत कट्टरता पनप रही है मोदी राज में। अब इसे किस तरीके से आप डिफेंड करेंगे शाहनवाज हुसैन? देखिए रोमाना जी, वेस्टर्न यूपी को आप जानती हैं और मैं भी सब जगह घूमता रहता हूं। मैं अभी देख रहा हूं कि कुछ घटनाएं हुई थी जरूर, जिसका जिन सवालों का जवाब मुझे भी देना पड़ता था कि कई बार गौरक्षा के नाम पर एक दो चार जगह इस तरह की घटना हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस शब्दों में उसकी निंदा की, मजम्मत की, लोगों ने मैं संदेश गया कि प्रधानमंत्री जी किसी भी हाल में अकलियत के साथ या मॉब लिंचिंग की जो घटना हुई है उसके खिलाफ है और वो रुक गई है। लेकिन इस देश में नरेंद्र मोदी जी के बनने से पहले मैं आपको बस परसेप्शन बनाया गया था कि अगर नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो मुसलमानों के लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ सर, सुन लीजिए, अल्पसंख्यकों के साथ जब इस तरीके की घटनाएं हुई तब तो एक चुप्पी रही ना। जब हमने देखा कि एससी से जुड़े लोगों के साथ इस तरीके की घटना हुई प्रधानमंत्री के गृह राज्य गुजरात के अंदर, तब प्रधानमंत्री की तरफ से वक्तव्य आया सर, वरना देश इंतजार करता रहा। बल्कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सख्त, रमाना जी, सबसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सख्त शब्दों में इसकी निंदा की, एक बार नहीं की, कई बार की। हम लोगों ने इसकी निंदा की, पार्टी के प्रवक्ता ने निंदा की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसकी निंदा की। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले एक परसेप्शन बना दिया गया कि नरेंद्र मोदी आएंगे तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का रहना मुश्किल होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आ गए, आज हिंदुस्तान में अमन अमान है, शांति है, भाईचारा है, हम मिलकर रह रहे हैं। कहीं पर आज बताइए, कहीं कर्फ्यू लगा है तो मैं ही तोड़ देता हूं जाके, कहीं पर कोई घटना नहीं है। दुनिया की दो बड़ी कौम जैसे मिलकर भारत में रहती है, इसलिए मैं बार बार 2000 में दिबांग जी को याद होगा मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा था, भारत के मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश और हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। यहां दो बड़ी कौम बहुत अच्छे से मिलकर रह रही हैं। अमेरिका को कोई हक नहीं है कि टाइम मैगजीन में भारत के प्रधानमंत्री को ग्रेट डिवाइडर कह दे। ठीक है, इसकी निंदा राजनीति को भी करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बीजेपी के नेता को नहीं कही है, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को कही है, जो इस रूप में सामने निकल कर आ रहा है टाइम मैगजीन और प्रधानमंत्री जो उनके भी है। के लिए बीजेपी किसे कटघरे में खड़ा करती है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है रागिनी नायक, कांग्रेस को? देखिए, इसी टाइम मैगजीन के 2015 के कवर को अगर आप देखेंगे, जब प्रचंड बहुमत के बाद मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की इस देश में, तो उसमें लिखा था मोदी जी खड़े हुए हैं, ऐसा चित्र बना है और साथ में लिखा है विल ही डिलीवर। और उसके 3-4 साल बाद जब आज कल हमने देखा 2019 में लिखा आ रहा है डिवाइडर इन चीफ, तो आप देखिए कि पहले ये सवाल उठ रहे थे कि क्या जो उम्मीदें, जो आकांक्षाएं, जो प्यार, जो भरोसा लोगों ने जताया है, जिन मुद्दों को लेकर मोदी जी दहाड़े थे 56 इंच की छाती के साथ, वो मुद्दे क्या आज पूरे हुए हैं? क्या मोदी जी उन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या इस देश में बेरोजगारी खत्म हो गई? महिलाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित हो गई? क्या किसानों की आत्महत्या बंद हो गई? क्या ठप्प हुए कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लग गए? क्या सीमाओं पर प्रहार बंद हो गया? क्या चीन ने लाल आंख दिखाना हमें बंद कर दिया? क्या पाकिस्तान के हमले भारत पर खत्म हो गए या कम हो गए? क्या पत्थरबाजों की कश्मीर में संख्या कम हो गई? ये सारे बड़े सवाल थे जिन पर 2014 का चुनाव लड़ा गया था। ठीक है, और आज अगर एक प्रतिष्ठित मैगजीन में ये लिखा जा रहा है कि मोदी जी ने केवल भावनाओं का दोहन करने के बजाय, और जिसे आप धार्मिक राष्ट्रवाद कह रहे हैं उसे जिंगोइज्म कहते हैं, वो छद्म राष्ट्रवाद है, फर्जी राष्ट्रवाद है, यानी कि केवल भावनात्मक मुद्दों पर, धर्म पर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो मजहब पर, आस्थाओं के आधार पर चुनाव लड़ने का जो काम किया है। 115 रैली में कितनी बार मोदी जी ने विकास शब्द का प्रयोग किया, कितनी बार सबका साथ शब्द का प्रयोग किया, कितने बार अच्छे दिन की दुहाई दी, अब मोदी जी को वो याद नहीं आ रहा है? मैं जवाब नेहरू जी,
इंदिरा जी, नायक में जवाब लेती हूँ, मैं जवाब लेती हूँ, रागिनी में जवाब लेती हूँ। शाहनवाज हुसैन साहब, आपने जो परसेप्शन की बात कही थी, यहाँ रागिनी जो बात कह रही है सर, और वाकई में टाइम मैगजीन के आप कवर देखिए सिलसिलेवार ढंग से, 2012, 2015 और 2016 में तो उनको पर्सन ऑफ द ईयर ये खिताब दिया गया टाइम मैगजीन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को। तो शायद परसेप्शन की बात तो हमें छोड़ देनी चाहिए सर, फिलहाल परसेप्शन ढाल बन नहीं सकता है। और अगला सवाल जो इस टाइम मैगजीन में उठाया गया है वो ये कि 5 साल में काम जो वादे किए गए थे वो शायद दिखाने के लिए नहीं, और इस वजह से नाकामी छुपाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लिया जा रहा है या फिर छद्म राष्ट्रवाद का सहारा लिया जा रहा है। देखिए, मैंने टाइम मैगजीन का पूरा एक एक पेज एक एक लाइन पढ़ी है, और उसमें जो लिखा है कि एक पक्ष ये भी लिखा है कि मोदी भारत के सबसे बड़े डिलीवर कर सकते हैं, मोदी भारत की जटिल व्यवस्था को सरल और सहज कर दिया, आर्थिक सुधार के लिए मोदी ने भारत में सबसे बड़ी उम्मीद, और भारत में मोदी के नेतृत्व में चीन, अमेरिका, जापान से अच्छे रिश्ते हुए, ये पूरी फहरिस्त है। लेकिन चर्चा निगेटिव, क्योंकि उसकी जो दिबांग जी ने सही कहा कि जो इंटरनेशनल एडिशन है उसमें मोदी जी की तस्वीर के साथ उन्होंने इस तरह के शब्द लिखे हैं। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, परसेप्शन किसने बनाया? जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, लग गए अवार्ड वापसी गैंग आ गए, अवार्ड वापस करने लगे, कुछ लोग अलग प्रचार करने लगे। जितना दुष्प्रचार हमारे विरोधियों ने किया है उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे दुनिया में जहां मोदी जी के बारे में और भारत के बारे में छवि अच्छी बनी है, वहां इन परसेप्शन के आधार पर इस तरह के शब्द लिखे गए। और मैं सही कह रहा हूं जो संबित जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, जो मैंने भी कल कहा कि लिखने वाले जो हैं वो पाकिस्तानी चश्मे से अगर देखेंगे तो मोदी जी उनको ऐसे लगेंगे। बिल्कुल रागिनी, क्योंकि इयान क्रेमर, मैं आप जो बात कह रहे हैं शाहनवाज भाई, मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि रागिनी इसी टाइम मैगजीन के इसी एडिशन में इयान क्रेमर है और वो अपने लेख में लिखते हैं कि मोदी की जो आर्थिक नीतियां हैं वो एक रिफॉर्मर वाली है, वो एक रिफॉर्मिस्ट है। वो अपने लेख में लिखते हैं कि दुनिया के देशों जिसमें चाइना, अमेरिका, जापान, इन तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते सुधरे हैं इस मोदी राज में, बेहतर हुए हैं। वो अपने लेख में लिखते हैं घरेलू नीतियों की वजह से देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी में सुधार आया है। तो ये एक दूसरा पक्ष भी है जो इसी टाइम मैगजीन में है रागिनी नायक। लेकिन कांग्रेस तो किसी भी मोर्चे पर मोदी सरकार को सफल मानती नहीं है। यहां टाइम मैगजीन का यह आर्टिकल कह रहा है कि घरेलू नीतियों की वजह से करोड़ों लोगों की जिंदगी में सुधार आया है। रागिनी नायक, रोमाना, सबसे पहले तो अगर देश की छवि पर सबसे बड़ा प्रहार किसी ने किया था चुनाव जीतने के बाद तो मोदी जी ने स्वयं किया था, जब विदेश की भूमि में जा खड़े होकर उन्होंने कहा कि मुझसे पहले इस देश में पैदा होने पर लोगों को शर्म आती थी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का खुद का वक्तव्य है, इसीलिए आज जब उनकी छवि पर प्रहार हो रहा है तो उनकी तिलमिलाहट जो है मैं समझती हूँ कि वो जायज नहीं है। दूसरी बात, अब इयान बर्नर जो लिख रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने औपचारिक रूप से ये कहा कि ये तो विदेशी हैं या अंग्रेज हैं या किसी और मूल के हैं, उस चश्मे से देख रहे हैं? हमने उस पर कटाक्ष नहीं किया, हम आंकड़ों का जवाब आंकड़ों से देते हैं। और ये किसके पीछे छुप रहे हैं कि वो पाकिस्तानी हैं? अरे भाई, तवलीन सिंह के बेटे भी तो हैं। तवलीन सिंह मोदी जी की तो बहुत बड़ी प्रशंसक रही थी, अगर विकिपीडिया पर देखें तो वो ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं। आप उन्हें पाकिस्तानी घोषित करें चाहे कुछ भी करें, जो आरोप लगे हैं वो किसी मुल्क के हों, उन आरोपों पर नीतिगत तरीके से आंकड़ों और तथ्यों के साथ बहस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब तीसरी बात, जहां तक आप इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करते हैं, एनएसएसओ कहती है कि जीडीपी के सारे आंकड़े इनके गलत हैं। दुनिया के बड़े 8 अर्थशास्त्री कहते हैं कि सारे आंकड़ों को ये सरकार फज कर रही है। आरबीआई के गवर्नर इस्तीफा दे देते हैं, सरकार के साथ काम करना नहीं चाहते। 4 जज बाहर आकर कहते हैं कि कानून का गला घोटने का काम ये सरकार कर रही है। सीबीआई पे आईबी छापे मारती है, आईबी पे पुलिस छापे मारती है। इस देश में हो क्या रहा है ये आप मजबूती दे रहे हैं? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस देश में, 62 साल में रक्षा बजट सबसे ज्यादा कम करके आपकी सरकार ने दिया, जीएसटी और नोटबंदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, 200 लोग लाइन में खड़े होकर मर गए सिर्फ अपना ही पैसा निकालने के लिए, और आप चुनावों में ये कह रहे हैं कि अभी तो दिवाली रमजान था,
अब होली, ईद, अली, बजरंग बली और पता नहीं ये आपका नैरेटिव है क्या योगी आदित्यनाथ के? लेकिन दिबांग, लेकिन दिबांग में ये समझना चाहती हूँ कि इस चुनावी माहौल में जिस तरीके की टाइम मैगजीन के कवर पेज पर डिवाइडर एंड जीत छपता है और उसी टाइम मैगजीन के अंदर जो पेजेस हैं, अंदर जो लेख है उसमें रिफॉर्मल भी लिखा जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, तो क्यों इसे एक साजिश ना करार दिया जाए भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ? बस मुझे 10 सेकंड में एक बात जोड़ने दीजिए। जी जी कहिए कहिए। मैं ये कह रही हूं कि एक आतंक की आरोपी को न सिर्फ प्रत्याशी बनाना चुनाव में, बल्कि उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ने का काम इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो आप उन्हें कैसे बांटने वाला नहीं कहेंगे और कैसे जोड़ने वाले की उपाधि उन्हें देंगे?